हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए एक्सपेरिमेंट में। तो आज दिवाली का दिन है, तो आज हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बाबू हमारा देख रहा है, तो चलिए आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को, आपका दिन अच्छा जाए, 365 दिन आप सुखी रहे, खुश रहे, धन की बरसात हो और ऐसे ही चलता रहे, आपका दिन मंगलमय हो। तो चलिए अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम बताते हैं। तो हमारे पास देख सकते हैं कि जैसे ये दिया है, तो इसी से आज हम एक्सपेरिमेंट करें। क्योंकि आप दिया जलाए होंगे तो सरसों तेल का यूज किए होंगे, तो आज हम इसमें बिना सरसों तेल के इसको जलाएंगे। देखते हैं एक्सपेरिमेंट हो पाता है या नहीं। हम सैनिटाइजर से ये दिया जलाने वाले हैं, देखते हैं कितना टाइम तक जलता है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो इस दिवाली कुछ होना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि इस बार सरसों तेल नहीं, इस बार सैनिटाइजर से ही देखते हैं हो पाता है या नहीं। चलिए हमारे पास है सैनिटाइजर, पहले इसमें डाल लेते हैं। सैनिटाइजर जलता है ये आपको भी पता होगा, तो देखते हैं कितना टाइम तक हो पाता है। तो एक्सपेरिमेंट हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं हम इसमें सैनिटाइजर रुई ले लिए हैं, अब इसको हम जलाएंगे। सरसों तेल से तो बहुत जलाया है, आज हम सैनिटाइजर से देखते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर भी फ्लेमेबल है, जलता है। तो देख सकते हैं ये जल रहा है, बट लौ तो आ रहा है, बट इसमें पूरा ही आग जल गया है। सैनिटाइजर जहाँ जहाँ तक है वहाँ तक पूरा ये आग पकड़ लिया है। नमस्ते, नमस्ते। तो आई थिंक अगर इसमें हम ढकने के लिए कुछ रखते हैं तो और अच्छा होगा। देखते हैं कितना टाइम तक जलता है ये, लाइट को बंद कर देते हैं। ये देखिए, जैसे सरसों तेल को आप बुझा सकते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए, इसमें हम फूंक मार रहे हैं फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सैनिटाइजर ही जलेगा ही। जैसे कि देख सकते हैं हम फूंक मार रहे हैं फिर भी ये बुझ नहीं रहा है। तो ये एक तरीके से सही है कि बाहर आपको जलाना है तो हवा चलेगा, तो सरसों तेल का दिया हमेशा बुझ जाता है, तो ये नहीं बुझेगा। हाँ, थोड़ा सा ये आपको कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि सैनिटाइजर महंगा आता है सरसों तेल से, तो आपको महंगा पड़ेगा और ये थोड़ा सा जल्दी ही ख़त्म होगा। तो अगर आप चाहें तो सैनिटाइजर से आप अपने घर में दिया बना सकते हैं। हमने तो बनाया, आप देख ही लिए हैं। इस दिवाली हम एक दो तो कम से कम सैनिटाइजर से ही जलाएंगे, बाकी सरसों तेल से जलाएंगे ही, क्योंकि सरसों तेल से ही जलाते हैं, हर साल हम सरसों तेल से ही जलाते हैं, बट इस बार कुछ देखते हैं नया करेंगे। एक बार फिर से दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, धन की बरसात हो और 365 दिन आप खुशहाल रहें, हम तो यही दुआ करेंगे। तो देखिए ये अभी तक जल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी तक जल ही रहा है। इसमें एक ढकने का अगर हम कुछ जुगाड़ लगा लेते तो इतना सैनिटाइजर हमारा एक बार में बर्बाद नहीं होता, क्योंकि ये पूरे जगह में इसका आग फैला हुआ है, खाली रूई में नहीं पकड़ा है। तो उसके लिए अगर हम जुगाड़ लगा लेते हैं तो
इसमें और भी कुछ टाइम जलता अभी भी जल ही रहा है, देख ही पा रहे हैं आप लोग। तो ये एक्सपेरिमेंट एक हिसाब से सही है बट महंगा है। अगर आपके घर में सैनिटाइजर है तो एक आध दिया कम से कम आप जला के देखिएगा, काफ़ी टाइम जलेगा और फूक मार के देखिएगा ये बुझेगा भी नहीं। तो आप लोग ही बताइए कि ये एक्सपेरिमेंट हमारा कैसा लगा आपको, सैनिटाइजर का दिया। तो अब देखिए ये लास्ट होने वाला है, रुई अभी तक जैसा का वैसा ही है, रुई एक बूंद भी नहीं जला है। देखिए काफी टाइम से हो गया है जलते हुए, और कब तक जलता है ये हम देखेंगे। जब तक इसमें सैनिटाइजर होगा तब तक ही जलेगा। देखो बेटा, देखो देखो सैनिटाइजर का दिया कितना टाइम तक जल रहा है। देख सकते हैं काफ़ी टाइम से जल रहा है और अभी तक जल ही रहा है। मेरे को तो लगता है सरसों तेल से और थोड़ा और ज़्यादा जलता है, जितना मैंने इसमें सैनिटाइजर डाला उतना ही सरसों तेल डालता तो इससे भी ज़्यादा जल सकता था। अभी भी जल ही रहा है, तो जैसे कि देख सकते हैं अभी भी ये जल ही रहा है और ये अभी जलेगा काफ़ी टाइम तक, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर इसको हम एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके के नए नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक या एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।